छिंदवाड़ा पिछले दिनों न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा इकाई ने अपने विभिन्न मांगों और अनमोल ऐप के तकनीकी निकारण को लेकर जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था, लेकिन आज तक शासन प्रशासन ने 12 सूत्री मांगों सहित अनमोल ऐप संबंधी किसी भी समस्या का निकारण नहीं किया है। इसलिए आज से स्वास्थ्य कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। एनबीएस के संग जिला छिंदवाड़ा, हमारी टैबलेट जो मेन समस्या है अनमोल ऑनलाइन एंट्री और 12 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोग सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम लोग अभी जो तुरंत की ज्वलंत समस्या है कोविड वैक्सीनेशन, जिसका हमारा कोई समय निर्धारित नहीं है। हम सब मैदानी कर्मचारी हैं और हम लोग मैदानी स्तर पे विगत 2 सालों से कोविड वैक्सीनेशन जो अपने तन मन लगन से सेवा भाव से काम कर रहे हैं, शासन प्रशासन का हमारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बहुत बार उनको ज्ञापन के जरिए अपनी मांगों को उन तक पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन आज हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो कि यहाँ एकत्रित होना पड़ा है कि सुबह 7 बजे हम फील्ड में जाते हैं और रात में 10-10, 11-12 बजे तक वहाँ ना कोई सुरक्षा है ना कुछ, और हम सब महिला कर्मचारी हैं। बिना सुरक्षा के अभाव में हम लोग कोविड टीकाकरण को कर रहे हैं और हमारा जिला पूरा मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है कोविड वैक्सीनेशन को लेकर। तो शासन प्रशासन से जो हमारी 12 सूत्री आर्थिक मांगे हैं और जो अनमोल ऑनलाइन एंट्री, उसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो वो उस पर हमारी समस्याओं का निराकरण करने के लिए बस शासन प्रशासन हम लोगों की। आपका क्या नाम है? उमा सनोदिया। BCN न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शुक्रवार की रिपोर्ट।